हाँ जी सत श्रीकाल जी, मैं थोड़ा अपना कृपाल सिंह जी स्टार टीवी तो चक करमा के उत्ते एक विशेष जिहड़ा समागम जिहड़ा करवाया जाता हर साल की तरह, जिवें कि 10 मई तो यह स्टार्ट है, 20 मई तक चलेगा। तो साढ़े उन्होंने जोड़े सेवादार है मौजूद है वीर जी, तुम आज जो समागम है 10 मई तो जो आरंभ हो के 20 मई तक जो चलेगा, इनू किस चीज़ का नाम दिता जाता? यह शिव पुराण है, महाशिव पुराण कहा जाता इन्हों जी। तो यह शिव मतलब शिव की महिमा है एक्चुअली, उन्होंने उन्हों कथावं उन्होंने विवरण कि उन्होंने की कुछ किया, उन्होंने पूजा क्यों की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर है। आ ग्रंथ है एक शिव पुराण, जिन्होंने आचार्य जी आए हुए कितों आए हुए हैं? ये बद्दी तो आए हैं, बद्दी तो आए। हाँ जी, इन्हें हरबंश लाल शास्त्री जी ने जी। तो यह अपना भागवत भी करते हैं, शिव पुराण भी करते हैं जी। जो 20 मई ना जो समाप्ति का जो समागम है, वो सवेर तो की होएगा थोड़ा? रोजाना ही तरह सवेरे पूजा होएगी पहले, मतलब जो रेगुलर पूजा होंगी है, उस पूजा तो बाद उस दिन की है कि हवन पेगा, तो हवन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉपर जिमें हवन पैंता है, हवन पेगा, उस तो बाद फिर एक कथा का एक जरा क्लोजर है वह होएगा उस दिन। तो अराउंड 12-1 बजे क्लोजर करने तो बाद अपना भंडारा शुरू हो जाएगा, तो वो मतलब सारी संगत को मतलब वरतेगा जिमें भी होंगे है। जेड़े दर्शक उरे नहीं पहुँच सके इस वीडियो देखण, तो उन्होंने मन में जो कोई चाहना हो पहुँचण, उन्होंने तुम की कहो? मैं तो यही कहूँगा भी जरूर पहुँचो, ये अलग अलग क्वेश्चन होंगे बंदे दे दुनिया तो, हिंदू धर्म तो, हिंदू धर्म एक एवं का धर्म है जिस मतलब लोगों के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग धारनावें हैं। तो ग्रंथ ही एक ऐसा सोर्स है जितों आपां नूं कुछ सीधी राह मिल सकती है। तो मेरे ख्याल नाल जो आके आउणगे क्वेश्चन आंसर करनगे, किसी नाल गलबात करनगे, जिन्ना लोगों ने सुनी है उन्होंने कुछ आंसर ऑलरेडी है, तो मे बी उन्होंने भी उन्होंने आंसर मिलेंगे तो जरूर आन। बाकी भंडारा तो वरतेगा वो तो अपना स्थिति। तो जिमें कि इस नगर तो ये जो सेवादार है गया, लेकिन प्रेम शर्मा जी जेडे कि गर्दले तो विशेष तौर तो 10 तरीक तो लेके ये हुण तक पहुँचते हैं। बाबा जी जो आप गल करिए, इन्नी दूर तो आते हैं, थोनों सीखने वास्ते किन्नी क चीज़ा जी मिल रही? इत्थे आण के अपने हिंदू धर्म के बारे बहुत कुछ सीखने मिलता, बहुत कुछ सुनने मिलता, और साड़ी जी प्राचीन सभ्यता है उदे बारे सानू मतलब इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि वेद ग्रंथ असी हर कोई बंदा पढ़ नहीं सकता ना याद कर सकता, लेकिन कथावां नू सुनने दे नाल ही साडे मन दे भाव उत्पन्न हुंदा कि ये सुननिया चाहीदियां, इन्हां ते विचार करना चाहीदा और मन च इन चीज़ों का मनन करना चाहीदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਡਰੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो धन्यवाद जी इन्हों का भी। विशेष तौर पर असी प्रेम लाल अंकल जी जेडे कि गर्दले तो जो कीरतपुर साहब तो उरे विशेष तौर पर पहुँचे, होर भी दूर दराडे तो संगत उरे जरूर पहुँचती है। असी जी स्टार टीम वालों अपील करते हैं भी जेडे बंदे उरे नहीं पहुँच सके हुण तक, हजे टाइम हैगा जी 20 मई तक है जो समागम चलना, तुसीं इहदे विच किवें उन्होंने जोड़ा पाठ करना है, किवें पाठ करना, किवें जल चढ़ाना है, किवें काफ़ी बरीकी दस्या जाता है। जे तुहाडे मन च भी चाहना हैगी आ तां तुसीं इस चीज़ नूं सुनना चाहुंदे आ, तुसीं चक करमां दे विच तुसीं उरे पहुँच गए 2 तो लेके 5 बजे तक जिहड़ा कीर्तन किया जाता, और सवेरे जिहड़ी पूजा 8 बजे तो 8 बजे तो लेके 10 बजे तक जिहड़ी जिहड़ी पूजा की जाती है। जो तुसीं भी पूजा दे विच हिस्सा बनना चाहुंदे आ, जां पूजा करवाउणी चाहुंदे हो, जां कीर्तन सुनना चाहुंदे हो, तो अपना टाइम कढ के जरूर। जब इनको फल मिलता तो फल मिलने के उपरांत ये उल्ट ही कर्म करते हैं, उल्टे ही कार्य करते हैं, तो बुरा कर्म करते हैं तो उन्हीं कर्मों के अनुसार इनको फल मिलता है। तो तारकासुर ने 1,00,000 वर्ष तक पानी पीकर जल पीकर अपनी तपस्या की, एक पांव के अंगूठी के ऊपर खड़ा होकर, और 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करनी वायु पीकर तपस्या की है, और 1,00,000 वर्ष तक ब्रह्म मंदिर में प्राणों को चढ़ा दिया। इस प्रकार से कई लाख वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते अब सारे का सारा वातावरण, देवता लोग डर गए, देवता चिंता करने लगे क्या करें, किसी क्षण में चले। ब्रह्मा जी की तपस्या करें तो ब्रह्मा जी की क्षण में आ गए देवता। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपकी तपस्या करने के लिए वह बैठा है तारकासुर, जाओ वरदान दे दो उसको। कुछ वरदान देने के लिए आए, कहा कि महाराज क्या वरदान चाहिए, मांग लो क्या वरदान चाहिए।
कि महाराज वरदान ऐसा दे दो कि मैं अवध्य हो जाऊं। कहा कि अवध्य तो आप नहीं हो सकते, ये तो नहीं मैं दे सकता। तो कहा कि संसार में जिसको आपने उत्पन्न किया हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होनी चाहिए, शंकर भगवान के भगवान शंकर की जो संतान हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। पर शंकर भगवान की महापति महादेव की नींद आ रही सोने के लिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कैमरामैन अमनदीप सिंह, जी स्टार टीम ने कृपाल सिंह लोगड़।